हेलो एवरीवन, सीमा हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि होममेड फेस पैक कैसे बनाएं और इस फेस पैक से आपकी स्किन स्मूथ शाइन एंड आपका हेयर जो फेशियल हेयर है वो भी आपका इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो इससे आपका पिंपल्स रिड्यूस होएगा और आपका डार्क स्पॉट नहीं होएगा। बहुत सारे इससे बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें योगर्ट चाहिए यानी दही। सो हम लेंगे 1 टेबल स्पून योगर्ट यानी दही। और दूसरा हम क्या लेंगे? चॉकलेट पाउडर यानी कोका पाउडर। सो हम प्योर कोका पाउडर ले रहे हैं ताकि कोका पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिट्स रहता है और वो काफ़ी अच्छा रहता है, स्किन को ग्लो देता है। ये फेस पैक बहुत ही बेनिफिशियल है। सो इसको आप एक बार लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। और थर्ड वन हम लेंगे, सो चॉकलेट पाउडर मैंने लिया 1 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जोजोबा ऑयल लूँगी, जो कि जोजोबा ऑयल जो है हमारे स्किन को स्मूथ एंड शाइन और स्किन को पोर्स को लॉक करके रखता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है। ये हमारा फेस पैक ऑर्गेनिक होममेड फेस पैक रहेगा, तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारा जब भी आपको बनाना है तो फ्रेश बना के लगाइए। फ्रिज में आपको 1 से 2 दिन रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद नहीं यूज करना है। 2 से 3 दिन more than 3 days आपको यूज करना है, उसके बाद नहीं। फ्रेश बनाना है, फ्रेश लगाना है, 2 से 3 दिन यूज करना है, उसके बाद से नहीं यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? फिर से 1 टीस्पून हमें टी ट्री ऑयल डालना है। टी ट्री ऑयल हमारे स्किन को काफ़ी प्रोटेक्शन देता है और स्मूथ शाइन रखेगा, तो हमें टी ट्री ऑयल यूज करना है। यहाँ पे 1 टी स्पून हम टी ट्री ऑयल डालेंगे। बनने के बाद इसे मिक्स करना है, पहले नहीं डालना है। तो यहाँ पे कुछ टिप्स होते हैं कि क्या पहले डालना है, क्या बाद में डालना है। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो देख के आप फॉलो करके ही कोई काम करें तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्गेनिक होममेड फेस पैक ये रेडी हो गया। ये बाहर से भी ज़्यादा अच्छा होता है, बट हमें टिप्स पता होना चाहिए कि क्या कैसे बनाना है। तो ये फेस पैक मैंने क्लीनअप का काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रहा है, पिंपल्स के बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं कि पिंपल्स के ऐसे हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो मैं इसीलिए वीडियोस बना के शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास आया था तो मैं सोची वीडियो शेयर करती हूँ और आप लोग उधर से देख के आप कर लो अपना ट्रीटमेंट, होम पे घर पे ही खुद का ट्रीटमेंट करो। तो हमारा ये देखिए फेस पैक रेडी हो गया। और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।